पूर्णिया पूरे देश में हॉट सीट बना हुआ है। एक बार फिर से बहुचर्चित अजीत सरकार हत्याकांड का मामला उठाकर सियासत को गर्मा दिया है। एक तरफ निर्दलीय प्रत्याशी पप्पू यादव अपनी जीत का दावा कर रहे हैं और जनता के समर्थन प्राप्त होने की बात कर रहे हैं, वहीं राजद प्रत्याशी बीमा भारती और एनडीए प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा ने अजीत सरकार की हत्या का मामला एक बार फिर से उछाल दिया है। एनडीए उम्मीदवार संतोष कुशवाहा, बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह, विधायक संजय शराबगी, मंटू यादव अजीत सरकार के तैल्य चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर प्रचार अभियान की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि कॉमरेड अजीत सरकार की हत्या किसने करवाई सबको पता है, पूर्णिया में कौन लॉबी उसूलने का काम करता है ये भी पता है, पूर्णिया की जनता दोबारा जंगल राज वापस नहीं लाना चाहेगी। वहीं राजद प्रत्याशी बीमा भारती ने भी अजीत सरकार को गरीबों का नेता बताते हुए पप्पू यादव पर हत्या करने का आरोप लगाया है। देखिए, जन जन के नेता थे स्वर्गीय अजीत सरकार जी, कॉमरेड अजीत सरकार जी की हत्या यही पे हुई थी। इस यही जो स्थल है, आज हम लोगों ने संकल्प लिया है और उनके उनको श्रद्धांजलि अर्पित करके हम लोग डोर टू डोर कैंपेन प्रारंभ कर रहे हैं कि जो अजीत सरकार की हत्या के आरोपी हैं, वैसे लोगों को पूर्णिया की जनता फिर से पूर्णिया में पनपने नहीं देगी। इसलिए हम लोगों ने आज जो जन जन के नेता थे कॉमरेड अजीत सरकार जी को श्रद्धांजलि देके इस चुनावी अभियान का शुभारंभ कर रहे हैं। जो सामने प्रत्याशी हैं, जो लोग पूर्णिया को तबाह किया, पूर्णिया को बर्बाद किया, पूर्णिया को बंजर बनाने का काम किया, यहाँ के व्यवसायियों को पलायन यहाँ से करने पे मजबूर किया, जो उद्योग धंधे थे वो बंद करके लोग चले गए, शहर के अच्छे डॉक्टर चले गए, अच्छे व्यवसायियों व्यवसायी चले गए, सैकड़ों हत्या के आरोपी सैकड़ों हत्या करवाए, ऐसे लोगों को पूर्णिया में हम लोग किसी भी सूरत में पाँव नहीं जमाने देंगे। आज भी उनकी मनसा वही है जो लूट विरोधी इस तरह का कि मनसा को लेके लोग आए हैं, ऐसे लोगों को हम लोग पूर्णिया में पांव नहीं जमाने देंगे। गरीब के मसीहा थे अजीत सरकार जी, और पूर्णिया जिला के लिए जो काम किए हैं, एक एक बच्चा एक एक व्यक्ति उससे जो है कि सभी प्रभावित हैं और सभी को खलता है इस बात का जो हमारे बीच नहीं है अभी, लेकिन गरीब का मसीहा था। आज जो हत्या जो किया है वह जो पप्पू यादव है, बहुत सारे लोग हैं जो उसमें शामिल थे, जो सभी लोग जानते हैं कि कौन सा हत्यारा है, गरीब का जो आवाज़ बन के जो पूर्णिया में काम कर रहे थे जी सरकार जी, उसका हत्या करने में किसका हाथ है या पप्पू यादव का हाथ है, सभी लोग जानते हैं। पूर्णिया के जनता से हम यही अपील करेंगे कि सभी लोग सजग हो जाइए, और जिस तरह से यह पूर्णिया में जो आतंक फैलाने का काम करते हैं, एक जो है कि भाईचारा लड़ाने का काम करते हैं, सभी को जो है कि जितने भी हमारे व्यवसायी है पूर्णिया में सभी उनसे परेशान। पहली जीत 3 घंटे में पूर्णिया के हर मोबाइल पे और 27 लाख लोगों के जुबान पे चली। कैची छाप, और जो मेरा मुद्दा है भ्रष्टाचार, इसी से ना खत्म हो। जो बेईमान लोग हैं, शैतान लोग हैं, चोर लोग हैं, गलत लोग हैं, परेशान करते हैं लोगों को, कैंची ही एक ऐसी चीज है जिससे हम गरीबों का भी उद्धार करेंगे, सबको कपड़े का आप देखिए, किसी चीजों का देखिए, उसमें कैंची की भूमिका जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए जो छाप हमें मिली या जनता की छाप है, आम आदमी के हाथों की छाप है, और आम आदमी के तरक्की का ये छाप है, और आम आदमी के परेशानी को खत्म करने वाला है। भगवान और भक्त के जो रिश्ते होते हैं और माँ और बेटे का, वहाँ दुनिया की कोई साइक्लोन कोई तूफान असर नहीं करती। बस मैं इतना जानता हूँ कि दिल्ली पटना सबने छोड़ा है हमें, बस पूर्णिया का परिवार और घर
कोई ना छोड़े ये मेरा।